लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आ रही धमकियों पर इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान छह बार के सांसद पूर्णिया से मौजूदा सांसद पप्पू यादव जी, निर्दलीय सांसद हैं वो, जुड़ रहे हैं आज तक पर। पप्पू जी बहुत स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। धनतेरस प्रणाम। और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी सबको। धनतेरस प्रणाम। और दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हुआ क्या था पहले जरा समझाइए, क्योंकि बहुत सारा ऑडियो वायरल चल रहा है। क्या हुआ था? फोन पर आपको क्या कहा गया? किसने कॉल किया? क्या देखिए समझा? जी देखिए देखिए, मैं मेरे बारे में आपको पता है कि जब कोई जरूरतमंद, कभी हालात, कभी बाढ़ आए, तब मैं पिताजी के सभा छोड़ के चला गया और 12 दिन हम नहीं लौटे। कोरोना में आपको पता है 9 महीना मैं घर नहीं लौटा। आपको उस तरह सदन सदन के बाहर, आपको पता है कि जो पब्लिक इश्यूज होते हैं या जो इस तरह की कोई जी सामाजिक इशू होते हैं, उसको मैं ज्यादा सदन में बोलता हूँ। तो हाँ, फिर हुआ क्या? जब समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए ना, जैसे हम तीर धनुष के युग में तो है नहीं, हाँ हम हमारे पास संविधान भी है, लोकतंत्र मजबूत भी है, कानून भी है। और जब कोई व्यक्ति, कोई पीएम सीएम या कोई माफिया या कोई पैसे वाला या कोई भी व्यक्ति, कोई भी पूंजीपति, उद्योगपति, देश से बड़ा, संविधान से बड़ा, लोकतंत्र से बड़ा नहीं हो सकता। यदि लगातार कोई व्यक्ति, हम हो या कोई आदमी, किसी भी संस्था को नष्ट करता है कह करके, या कहता है कि हम इसको लूट लेंगे या हम इसको मार देंगे, तो ये देश के कानून और संविधान के लिए खतरा है और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। इसीलिए आप लिखे एक थे आतंक सलमान खान के लिए कि मैं हूं ना, धमकियों के बीच। नहीं, मैं देखिए, मैं सलमान खान के लिए ही नहीं लिखता। आप याद करिए, जब भी कोई घटना घटती है, पटना का बाढ़ हो, कोरोना हो, मैं सबके लिए जाता हूँ, मैं सबके लिए काम करता हूँ, हम सबके लिए जीते हैं। करनी सेना के परिवार में लोगों की मौत हुई। देखिए, किसी के निजी दुश्मनी क्या है, उससे पप्पू यादव को कोई मतलब नहीं। कौन लड़ेगा और सरकार बचाएगी या सरकार मरवाएगी या कानून बचाएगा या कानून छोड़ देगा? तो यदि हमारी न्याय व्यवस्था और विधायपालिका से कोई सर्वोच्च हो जाए, तो फिर ऐसे देश में रहने जीने का कोई औचित्य नहीं बचता है। हाँ, तो बस। पर मैंने पप्पू जी, अब जो मेरा अगला प्रश्न यही है कि आपने लिखा मैं हूं ना। मेरे अब देखिए, बतौर सांसद आप मैं निर्दलीय सांसद चुने गए, अब सांसद होते हुए आप लिख रहे हैं सलमान खान के लिए, एक सेलिब्रिटी के लिए, कि मैं हूं ना, और फिर जब उधर से धमकी आती है तो आप अब गृह मंत्रालय से अपनी सुरक्षा के लिए में बढ़ोतरी की बात कर देखिए, रहे हैं। पहले पहले तो आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। जब ये धमकी सब आई थी, ये मेरे ट्वीट के बाद आई थी, कनाडा से, अन्य जगहों से। हम धमकी के बाद बम्बई गए हैं, हम सुरक्षा धमकी के बाद बम्बई गए, धमकी वो बात तो ठीक के है, लेकिन पहले आप बिल्कुल नहीं समझे हम क्या बोले। नहीं बम्बई। हम क्या आप मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनिए समझे ना। हम क्या बोले, और बिना रिसर्च नहीं, के मैं आपने बैठती जो नहीं हूं। आप भी पप्पू जी मुझे जानते हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि आपने एक मेरे वक्त पे हमको भी कहा। आप सुनिए जानते ना पप्पू जी, पप्पू जी हैं, आपने ही लिखा आप ना भी मैं हूं हमको ना, जानते हैं। एक दो कौड़ी के गैंग को आप देख लेंगे। अब आपको अपनी ये मेरी सुरक्षा बात, में इजाफा के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है ना गृह मंत्रालय को, क्योंकि ये मेरी रियल बात, थ्रेट है मेरी सर, बात, हम सब चिंतित हैं। मैं बोलिए हाथ जोड़ता हूं आपसे, बोलिए। सबको एक घाटी में नहीं घाटिए। हाँ जब भी बोलिए। इस देश के किसी भी, चाहे नेता हो, पत्रकार हो, रेमडिसिविर हो, चाहे कोई हो, जब भी किसी के लिए जरूरत की बात आती है, मैं परिवार के नाते खड़ा होता हूँ। इसके पहले भी जब भी कोई घटना घटी, उत्तराखंड हो, माझी के परिवार को आजीवन देने की बारी हो, जो माउंट हो, चाहे भूज हो, चाहे जब भी कोई घटना इस देश में, बड़े साइक्लोन आते हैं तो सबसे पहले पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं। इसके पहले भी बंबई में जब जब उस काल में घटना घटती थी, तो पप्पू यादव पहले पहुंचते थे। जी, जब हम जब ट्वीट किए थे, वो ट्वीट 15 दिन 20 दिन पहले का था, और ट्वीट के बाद हमने यह कहा था कि एक ऐसा नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क, जब देश में सरकार शासन प्रशासन से बड़ा हो जाए, तो फिर देश खतरे में पड़ जाता है। तो इसीलिए कानून, यदि इजाजत हो तो ऐसे नेटवर्क खत्म किए जा सकते जी हैं। नेटवर्क की बात मैंने की थी, एक। उसके बाद अलग अलग विभिन्न जगहों से, देखिए, हम ऐसी चीजों में नहीं पढ़ते, हमें निजी किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है।
लेकिन जब कोई आते हैं कहीं बैठ करके, मैं उसको भी मारूंगा, मैं उसको भी मारूंगा, मैंने इसको मारा, मैं उसको मारा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जी मुझे लगा कि यदि मैं भी आज मूक दर्शक बने रहूंगा तो आने वाले पीढ़ी कहेंगे आप क्या कर रहे थे, आपने कोई अच्छी चीजें लिखी कि नहीं, कोई ट्वीट किया कि नहीं, आपने कोई बात अभी अपनी अभिव्यक्ति रखी कि नहीं। जब घटना घटी थी करणी सेना की तो सदन में ये बात मैंने उठाया कि ऐसी मौत क्यों। तो आप इसको समझिए, जब हम उसके बाद बंबई गए बाबा सिद्दीकी जी के घटना में, बिहार ही नहीं, वो एक उद्योगपति थे, उसके लिए उनके बच्चों से मिलने के लिए, तो हाँ मैंने निश्चित रूप से सभी लोगों से बातचीत की और मैंने यह बात जरूर कही कि भैया इस देश में जो संविधान और कानून का देश है वहां आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा बड़ी बात मैंने कह दी, एक। दूसरी बात, सुरक्षा की जहां तक सवाल है, जी आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे पहले भी वायु थ्रेट सुरक्षा थी, मैं लगातार सदन सदन के बाहर माफिया अपराधी मेडिकल सिस्टम या जिले में अभी शराब में लोग मर गए तो हम वहां शराब माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़े, आवाज दिए, 112 लोगों की मदद किए, बाढ़ में 7.5 लोगों तक हम पहुंचे, हम बांध माफिया और नदी माफिया के खिलाफ बोलते रहे। तो सवाल सुरक्षा का नहीं है, मैंने भी मंत्री मंत्रालय और लोगों मैंने ये लिखा कि अमुक 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 डेट में 10 बार रात में भी मलेशिया से जब हम कल हेमंत जी के साथ थे, कल्पना सोरेन जी के साथ थे और हमारी जिम्मेदारी जनता के बीच में अभी हूँ, अभी मैं 10,000 आदमी के बीच में था, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है, मैं सुरक्षा लेके नहीं चलता हूँ। नहीं तो वाई आप उठा कैटेगरी करके आपके देख पास है या नहीं है पप्पू जी? और है तो ले, फिर क्यों आप जी मैं वही बात तो कह रहा हूँ, आप देख लेना ना मैं कहाँ पर मेरी सुरक्षा होती है। भैया कंगना जी से लेकर के और देश के जो सत्ता में हैं और जो लोग सच नहीं बोलना जानते हैं, झूठ की ठेकेदारी करते हैं, चाहे बड़े पत्रकार के पदों पर हो चाहे कोई छोटे पदों पर हो, उनको Z+ मिल गई। मैंने जब एक बात लिखी सवाल सुरक्षा का, आप मत दीजिए, आप ये भी सुरक्षा लौटा लीजिए, मैंने तो लिख दिया चिट्ठी कि सुरक्षा लौटा लीजिए, मुझे आप जैसे लोगों की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जो सियासत और विपक्ष के बीच सुरक्षा का बानक बनाए, जो अच्छा सच बोल तो सुरक्षा पप्पू जी, ना दे, आपने तो आज अब चिट्ठी लिखी है कि मेरी सुरक्षा वापस ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो हाँ मैं इन्फॉर्मेशन है ये चिट्ठी आपकी है भैया या नहीं है? क्योंकि तो गृह मंत्रालय को जो मुझे बताया जा रहा है, एक गृह काम मंत्रालय करता को हूँ, आपने चिट्ठी लिखी है कि मेरी सुरक्षा बढ़ाकर जेड, रुकिए ना सर, सवाल तो होने दीजिए, दर्शक भी समझेंगे ना कि जेड ये कैटेगरी की चिट्ठी सुरक्षा दस होनी चाहिए। जी सर, अब बोले। पहले पहले वो चिट्ठी का डेट पढ़िए आप कब की है, जब हमें धमकी मिली थी तब की और है। बम्बई आने से पहले, अच्छा और आज जो मैं चिट्ठी लिखा हूं वो लिखा हूं कि यदि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है और इस देश के सियासत और जाति के नाम पर गुंडई करने वाले और सियासत की गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को यदि जी सिर्फ इसी में आलोचना ढूंढना है, एक व्यक्ति को लगातार कनाडा से लेके मलेशिया से लेकर के अमन शाह और अंकित गुरु कल अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि पप्पू यादव चुदुर बुदुर मत करो, एक एमपी जो 7 बार रहा हो, यदि उन्होंने अपनी बात गृह मंत्रालय तक पहुंचा दी और 10 दिनों तक सीएम से मिलने का प्रयास किए, चीफ सेक्रेटरी को बोले, डीजीपी साहब को बोले, आईजी को बोले, सारे एसपी को लिख के दिए और सब गूंगा बहरा बना रह गया, मुख्यमंत्री जी से माफिया लोग जो इनके अगल बगल हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी वो मिलने नहीं देना चाहते, हम दीपक जी को 5 बार बोले, उन्होंने कहा कि आप सीएम से मिल लीजिए, हम डीजी साहब से बात किए, हम अमित शाह जी से बातचीत किए, तो बोला उन्होंने आपको सुरक्षा की जरूरत है, मैं आपको दू, आप वाय मैं नहीं, आप एमपी बन गए हैं, मैं सुरक्षा दूंगा। मैंने सुरक्षा लिखा घटनाक्रम को लेकर के, ये परिस्थिति है, जब आज तक सुरक्षा नहीं मिली तो मैंने लिख दिया कि आपके जो सुरक्षा गार्ड हैं इनको आप वापस कर लीजिए, हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, जिनको मारना होगा मारेगा,
सच्चाई मेरा रास्ता है, सच्चाई के अलावा मैं दूसरी बात कतई नहीं करूंगा। नहीं 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 पप्पू जी ये मत सच्चाई बोलिए। के साथ हाँ जीऊंगा, जिनको मारना हो मारे, हाँ जनता मेरी हिफाजत सुनिए करेगी, तो, सुनिए आपके तो, सुरक्षा की जरूरत नहीं। ठीक है। देखिए ये मैंने कह दिया, आप कई बार के चुने हुए सांसद हैं और आप दिल से बोलने के लिए जाने भी कई जाते हैं, बार मैं भी नहीं आपको सात जानती हूँ, बार, और 7 बार। कई बार नहीं सात बार, हाँ प्रभु, सात सात बार। अगर बार आपका आपने अपना इंट्रोडक्शन सुना होता तो आपने सुन लिया होता कि 6 बार से और इस बार पूर्णिया से फिर, तो पूरा आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी जी सब बता रहे हैं। अब आप मेरा जी मैम, सवाल ध्यान से सुनिए। देखिए सर, आप मतलब ऐसे नहीं चलता है ना, आप एक सांसद हैं, अभी कह रहे हैं हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, सबको वापस ले लो, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखते नहीं, वाई नहीं जेड कर दीजिए, फिर नहीं मिले तो आप इसको हटा दो, ऐसे तो चलता नहीं है। तो क्या आपको मौजूदा वक्त पर, पहले क्योंकि मैं हम तो ये उम्मीद कर रहे क्या हैं कि तो देश भर में लोग ये चैनल देख रहे होंगे, क्या आप नहीं चाहते हैं आपको जेड कैटेगरी सुरक्षा मिले, इस पर एक स्पष्ट जवाब क्या क्या पप्पू जी। क्या ऐसे चलता है कि सुधीर जी को जेड प्लस मिल जाए? क्या ऐसे चलता है कि कंगना जी को जेड मिल जाए? क्या ऐसे चलता है कि एक अरे भाई एमएलए आपको एमपी, उनकी सुरक्षा और से सुनिए ना प्रॉब्लम है या सुनिए अपनी सुरक्षा चाहिए? छोड़िए ना कितनों का सर, आपने नाम लिया यहां पर, आपने ऐसे आपने ऐसे क्या कहा, सुनिए ना, हम आपने पूछ क्या रहे हैं कहा, सर, हम सिर्फ पूछ आपने रहे कहा हैं कि क्या आपकी ऐसे तो करंट नहीं स्टैंड चलता। क्या है पप्पू जी, करंट स्टैंड क्या है मैं जी? मेरा स्टैंड क्लियर है, हाँ मेरा स्टैंड क्लियर है कि सच्चाई, मैं 24 घंटा जनता के बीच रहता हूँ, ठीक मेरी है, किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, मुझे ना किसी के निजी जिंदगी में दखल देना है, कौन किसको मारेगा, कौन किसको बचाएगा, ये सरकार का दायित्व है, ये कानून का दायित्व है। मैं सरकार को जगाने का काम ट्विटर माध्यम से, सोशल मीडिया, अखबार के माध्यम से, सदन के माध्यम से करता रहता हूं, आगे भी जब कोई ऐसी बात आती है, आएगी तो मैं करूंगा। मुझे जो घटना संदर्भ में लिखनी थी, मैंने सीएम साहब और होम मिनिस्टर साहब अमित साहब साहब को मैंने लिख दिया है। अमित जी को लगेगा कि पप्पू जी को जरूरत है, वो समझेंगे, नहीं है तो नहीं समझेंगे। जी मैंने स्पष्ट कहा, यदि आपको लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है, तो मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। ठीक है।